इस नाते आपसे भी नौजवानों बता रहा हूं कि आप पहन करके निकलोगे, जो दरवाजा खोलोगे तो तेरी भाभी होगी, बहन होगी, माँ होगी, कोई भी होगा, वो कहेगी कि काहो नेता बनत हुआ का, पक्की मुहर आपको लगा दिया हम नेता बनने की। आप बाहर निकलो, चचा कक्का दद्दा भैया बाबू वो भी देखेगा तो कहेगा कि काहो नेता बनत हुआ। बोला नहीं, कपड़ा मकान शिक्षा दवाई की लड़ाई सदन में होती है साथियों, सड़क पर नहीं हो सकती है। इस नाते सदन में जाने के लिए आपको बार बार कह रहा हूं, अपने घर के बगल में, बस्ती के बगल में एक लक्ष्मण रेखा खींचो और कहो अब यहाँ चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस, अगर तुम अपने बेटा को सीएम बनाने की बात करते हो तो रजवार का भी बेटा सीएम बनने की लड़ाई लड़ेगा। हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने साथ रहेंगे। आप बताओ ये नेता लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कितने लोगों को नेता लग रहे हैं जरा हाथ उठाओ, नेता लग रहे हैं ना? इसी तरह नौजवानों देखो हमारी बात मान लो, आप पैंट शर्ट पहनते हो, जींस का पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, जितना रुपया जींस और पैंट जींस का जो आप पैंट पहनते हो और शर्ट पहनते हो जितना रुपया लगता है उतने रुपए में कुर्ता पैजामा हो जाएगा, उतने रुपए में कुर्ता पैजामा हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं इसी तरह नौजवानों कुर्ता पैजामा सिलाओ, जैकेट चढ़ाओ, कल तेरे बीच से तुम प्रधान बनोगे, तुम मुखिया बनोगे, तुम जिला परिषद बनोगे, तुम एमएलए बनोगे और तुम सांसद बनकर के पटना और लखनऊ जाकर के दिल्ली जाकर के कानून बनाने का काम करोगे। इस नाते हम कहता हूं कि नेता बनने में दिक्कत थोड़ी है, एक बार कुर्ता पैजामा सिलाओ और पहली बार पहनोगे तो लाज लगेगी। कुर्ता पैजामा सिला के ले जाकर के घर में रख दो, जब 4 बजे चट्टी पे चाय पीने का टाइम हो तो घर के अंदर प्रवेश कर जाओ, दरवाजा बंद कर दो, सबको निकाल दो अंदर घर से। और कुर्ता पैजामा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में पहनने में टाइम लगेगा, मैं भी उसका शिकार हूं। ये मत सोचना कि भाषण बहुत तगड़ा दे रहा हूं, जब पहली बार मुझे मेरे साथ भी हुआ, मेरे गुरु ने बताया था। इस नाते आपसे भी नौजवानों बता रहा हूं कि आप पहन करके निकलोगे, जो दरवाजा खोलोगे तो तेरी भाभी होगी, बहन होगी, माँ होगी, कोई भी होगा, वो कहेगी कि काहो नेता बनत हुआ का, पक्की मुहर आपको लगा दिया हम नेता बनने की। आप बाहर निकलो, चचा कक्का दद्दा भैया बाबू वो भी देखेगा तो कहेगा कि काहो नेता बनत हुआ। बोला मत, फिर निकला चपले चल जा चाय के दुकानी पर, जहां रोज चाय पिए वहां चल जा और वहां जाकर झपट के अखबार उठावाता उसे, अक्सर वहां टेबल पर अखबार रखल रहला चाय वाले के यहाँ, अखबार उठावा ताव से चाय वाले से कहा, अरे चाय वाले देखे चाय देते वो ताकि देखे कहा नेता हो गई ले कहा। अब अखबार हाथ में हो, जब तक वो चाय लिया हुआ तो पढ़ले हुआ तो अखबार पढ़ा, ना पढ़ले हुआ तो ही अखबारवा के खाली उल्टत रहा हाली हाली। जे दूसर देखी तो कही कोनो समाचार एक निकले लग वो खोज थोड़ो कही की पढ़ले ना हो, ओकरे बाद तब तक वो चाय लिया दे, चाय पकड़ ला अखबार रख दा, चाय पी ला, सब्जी वब्जी ले ला, लिया के घरे में रख दा। और मैं दावे के साथ कहता हूं आप अपने थाने पर जमा लेना, किसी साथी को लुंगी गंजी पहना के थाने भेजो, होमगार्ड और सिपाही डांट करके गाली दे के भगा देगा, जींस और पैंट पहन के जाओगे वो फिर भी डांटेगा और भगा देगा, और कुर्ता पैजामा पहन के जाओगे वही दरोगा होमगार्ड कहेगा सिपाही कहो नेताजी का बात बा। आप कहोगे ना कि दरोगा जी से ना मिले थे बा, तब वही सिपाही वही होमगार्ड कहेगा कि वह दरोगा जी बैठल हुआ चलिया। बोलो अंतर है कि नहीं अंतर? आप बताओ, हम कुर्ता पैजामा नहीं सिराए होते, हम भी लुंगी गंजी पर होते तो हम भी कहीं ट्रैक्टर पर माटिया लाते ना। बोलो आज हम कुर्ता पैजामा सिलाए, जैकेट चढ़ाए, राजनीति में आए, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, उस पावर को लेने के लिए जब निकला। आज बताओ, चाहे मैं तमिलनाडु केरल आंध्रा जा रहा हूं, चाहे बंगाल जा रहा हूं, चाहे देश के किसी कोने में जा रहा हूं, वहां व्यवस्था सुरक्षा की लग जा रही है। बोलो
हम तो यहाँ चुपचाप मार करके नहीं, अभी टीम नहीं है, चलने दो सबको। कम से कम मुझे खुशी हुई कि आपके 20 से नौजवान इस मंच पर आकर के भाषण देने लगे, उन नौजवानों को बधाई देता हूँ। साथियों घबराओ नहीं, जल्द ही हम आपको रिहर्सल कराने वाले। इसी नाते अब आप बताओ, अब हमार बात नेता वाली तो के सुनला सा हाथ उठावा, जे जे सुनला सा भाई सुनला है ना, हाथ नीचे कर। अब के कुर्ता पैजामा सियाई, एकदम सही सही बताया। सियाओ देखा न सियाई बार, तो हम सियल सियावल मंगाई और वही बोलाई बलिया। अब तुहार जींस का पैंट शर्ट निकलवा ले वही, और कुर्ता पैजामा पहुंचवा के अरवल औरंगाबाद पहुंचवा दे। समझे थे न, हम अपने मिशन में पीछे नहीं हटने वाले। मुझे तो खुशी है कि आज जब मैं यहाँ आया, इन दोनों नौजवान को देखा और हमारे साथियों को मैंने देखा, तो मुझे लगा हमारे संचालक महोदय भी नेता लगत हूँ। बोलिए नेता लगत हूँ कि नहीं लगत हूँ, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। 200-300 रुपया में जैकेट मिला था बजरी हमें, ना सियावल जाता तो जैकेट बिचाता है समय जाड़ा वाली, वह जैकेट चढ़ावा। ए बदे साथी मैं आपसे एक क्यों कह रहा हूं, देखो ये लड़ाई आपकी है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहे जहां जहां भी आप कहोगे वहां हम आपके साथ, हम कंधे से कंधा मिला करके हम तैयार हैं। और ये मत सोचना खाली अरवल में, जितना आप यहां जुटे हो, अभी पश्चिमी चंपारण के रामनगर विधानसभा में हम लोग मीटिंग अभी परसों किए हैं, और आपको बता दूं कम से कम वहां 10,000 की भीड़ खाली अरवल में वहां आपके रामनगर पश्चिमी चंपारण में था। सीवान में किया, अभी हमारे साथी औरंगाबाद के लखोसी जिलाध्यक्ष हैं, औरंगाबाद आया ही था। कटिहार में गया, मधेपुर जा चुका हूँ, और गया गया नालंदा गया नेवादा गया, चारों तरफ घूम रहा, और आपसे कह रहा हूँ कि लक्ष्मण रेखा खींचो, लक्ष्मण रेखा अपने बस्ती के बगल में खींचो, वही पार करे जो जय सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव जी और कारू रजवार जवाही रजवार और एकवा रजवार की बात करे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथी कि घबराओ नहीं, जल्द ही हम जमीन के चक्कर में हैं, जहां जमीन उपलब्ध हुई हम अपने जवाही रजवार कारू रजवार एतवा रजवार की मूर्ति हम लोग अपने पैसे से लगाकर भव्य मूर्ति दिखाएंगे, अपने पैसे से, हम सरकार के भरोसे नहीं। आप यहां जितने लोग आए हो आप बताओ ईमानदारी से, अगर मूर्ति लगाने के लिए 10 रुपया देना पड़े तो बोलो दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग दोगे? दोनों हाथ उठाओ, दोगे ना? तब बताओ रुपया का कहां का नहीं है, और जौन घटी तौन हम दे दे, जौन घटी 10-5 लाख रुपया उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर देगा, ठीक है? हम देंगे, हम तैयारी में हैं, हम व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी मंशा है, सोच है कि लोकसभा का चुनाव 24 में है और 25 में विधानसभा का चुनाव। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो हम आजादी देंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहा है आप सिर्फ अपना वोट हमको दो, 2 साल के अंदर हम 10 एमएलए आपको विधानसभा पटना पहुंचा के दिखाएंगे। और आपसे कहूंगा, माताओं बहनों से भी कहूंगा, नौजवानों बुजुर्गों आपसे भी कहूंगा कि देखो 33% आरक्षण दिल्ली से पास हो गया है महिलाओं के लिए, ये 5 साल के अंदर लागू होने जा रहा है। अब आपके बीच में जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनको भी मंच पे लाने का काम करो, उनसे भी भाषण दिलाने का काम करो, ताकि पटना की राजधानी में जब वो खड़ी हो बोले तो हमारा भी आपका सीधा गर्व से ऊंचा हो कि हमारी बहन वहां खड़ा होकर ललकार रही है। इस तरह की सोच पैदा करो। मुझे खुशी हुई ममता रजवार जी ने इच्छा जाहिर किया कि औरंगाबाद किस गोह सीट है शायद लड़ने की बात उन्होंने कहा, मैं उनसे कहूंगा वहां तैयारी कराओ ओम प्रकाश राजभर, उस लड़ाई को आपको मंजिल तक पहुंचाने की कवायद में लगूंगा। इस नाते आपसे आगाह करता हूं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण लागू है 100 सीट होगी तो 100 में 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही है विधानसभा और लोकसभा में, तो उसमें भी हमारी बहन बेटियां पेंड किया जाए ताकि वो भी लड़ करके जीत करके और पटना और दिल्ली की राजधानी में जाकर वो भी जब खड़ा हो
तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो कि हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, तो हमारी बहन बेटियां, हमारा नौजवान राजधानी में जाकर के ललकार रहा है अपने समाज को हक हिस्सा दिलाने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की लड़ाई सदन में होती है साथियों, सड़क पर नहीं हो सकती है। इस नाते सदन में जाने के लिए आपको बार बार कह रहा हूँ, अपने घर के बगल में, बस्ती के बगल में एक लक्ष्मण रेखा खींचो और कहो, अब यहाँ चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस, अगर तुम अपने बेटा को सीएम बनाने की बात करते हो तो रजवार का भी बेटा सीएम बनने की लड़ाई लड़ेगा। हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने साथ रहेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपना झंडा मजबूत करेंगे, अपने बेटा बेटी की ताकत पैदा करेंगे। इस बात को लेकर के हम लोग घूम रहे हैं।